सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है हमारा, वो टमाटर के प्लांटेशन पे होने वाला है। तो आज हम आपको टमाटर का प्लांटेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सो ऐसा आप देख सकते हैं, वहाँ टमाटर का रोपा है जो आ चुका है, गाड़ी खुल रही है और कैरेट अब उतारेंगे तो आपको दिखाऊँगा फिर। शेर रोपा इधर आ चुका है हमारा उतर के, और यह अभी लास्ट कंपनी का है, देख सकते हैं अभी इसको। तो छोटा है रोपा, 25 दिन का, रूट्स भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और ये हमारे शिवम भाई इधर कैरेट उतार रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इसको लगाएंगे, थोड़ा छोटा आ गया है वो, ठीक है। अच्छा ये इधर उतर गया रोपा, और आधा उधर जम गया, आधा इधर। तो उधर रोपा लगना स्टार्ट हो गया, और इधर हमारे शिवम भाई है जो लाइन जोड़ रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी लाइन है तब इसको वापस से नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे शिवम भाई की बहुत ज़्यादा ही मेहनत चल रही है इधर। और इधर सत्यम भाई भी लगे हुए हैं, और उधर लग रहा है टमाटर, तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ अभी। सो इधर टमाटर का प्लांटेशन हो गया है, और इधर इधर आप देख सकते हो इधर लेबर चल रहे हैं, इधर प्लांटेशन चालू है। और ये अभिलाष का, अभिलाष कंपनी का है टमाटर, ये देखें। ये रोपा थोड़ा कम दिन का है, रूट्स तो काफ़ी अच्छी है, और अधिकतर ये रूट्स पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रूट्स जो है वाइट होनी चाहिए। सो ये हम कर रहे हैं ड्रिंचिंग, ये इसकी जड़ जो है टमाटर की जल्दी से उठ हो जाए, इस कारण इसमें हमने लिया होमिक एसिड और फंगीसाइड। तो इसे जोड़ो, आप देख सकते हैं गोल, ये 100 ml डाल रहे हैं हम एक पौधे के पास, तो इससे क्या इसकी जड़ जल्दी सेट हो जाएगी। और इधर भी प्लांटेशन का काम चल रहा है,